दोस्तों, किंग खान की फिल्म को लेकर करण जौहर का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। जवान ने रिलीज होने से पहले ही पूरा इंडियन सिनेमा में नया इतिहास बना दिया है। इसी दौरान जवान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए करण जौहर कहते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म का इतना ज्यादा हाइप है कि पठान का भी नहीं था। जिस तरह से इसके एक्शन बनाए गए हैं वो हॉलीवुड जैसे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवान का क्रेज इतना है कि मुंबई में पहले ही एडवांस बुकिंग है, क्योंकि मुंबई में मनोज देसाई ने जब एडवांस बुकिंग ओपन कुछ ही मिनटों में 4000 सीटें बुक हो गई। पहले 3 दिन का पूरा शो हाउस हो चुका है, लेकिन पूरे इंडिया में अभी जवान की एडवांस बुकिंग जवान का इतने दिनों पहले ही ऐसा क्रेज बना हुआ है। सोचिए, फिल्म रिलीज होगी तो शायद आपको टिकट मिलना भी मुश्किल हो सकता है। पठान के समय कुछ जगह पर तो लोगों को टिकट ही नहीं मिले थे, क्योंकि पहले ही थिएटर हाउसफुल चल रहा था। लेकिन अब जवान तो उससे भी बड़ी तूफान लेकर आई है। दोस्तों, जवान का ऐसा क्रेज बना हुआ है कि बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वही शाहरुख खान अपना ही पठान का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जवान के स्क्रीन और शोज काफी ज्यादा होने वाले हैं, और ये समझो कि शाहरुख खान और एटली विजय तबाही मचा देंगे, और ऐसे में फिल्म से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीद है। अगर जवान बाहुबली और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दे तो हैरान मत होना, क्योंकि फिल्म का हाइप ही काफी ज्यादा है। वही साउथ के मास डायरेक्टर एटली की भी ये सबसे बड़ी और महंगी फिल्म है। कुछ खबरों की माने तो जवान साउथ साइड 100 करोड़ से 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। वही पठान ने साउथ में इतना कलेक्शन नहीं किया था, और जवान पहली बॉलीवुड फिल्म सपोर्ट कर रहे हैं। जवान के 20 दिन बाद साउथ की फिल्म सालार रिलीज होने वाली है, जिससे जवान की टक्कर होगी। दोस्तों, जवान भी पूरी तरह से एक्शन वाली फिल्म है, और हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर को लिया गया एक्शन। वही फिल्म को साउथ के मास एक्शन डायरेक्टर बार पैन इंडिया लेवल पैन इंडिया जवान कितना कलेक्शन करेगी जरूर बताना, और शाहरुख खान के फैंस हो तो सब्सक्राइब कर लेना।